आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एकेटीयू विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा कुलपति नियुक्त किए गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की नियुक्ति। 3 साल की अवधि के लिए कुलपति बनाए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां कुलपति की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की गई, एकेटीयू विश्वविद्यालय में कुलपति की गई नियुक्ति। प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा कुलपति नियुक्त किए गए। बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की नियुक्ति। 3 साल की अवधि के लिए कुलपति बनाए गए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एकेटीयू विश्वविद्यालय में कुलपति की गई नियुक्ति। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेता तारीफ सेठ के फ्लोर मिल पर आईटी का छापा। तारीफ सेठ के फ्लोर मिल पर अचानक पहुंची जीएसटी टीम, राजस्व जीएसटी विभाग विशेष जांच टीम पहुंची। जांच टीम शाखा इटावा ने पहुंचकर अचानक की छापेमारी। जीएसटी टीम के अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। जीएसटी टीम फ्लोर मिल के सभी ताले खुलवाने में लगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, थाना कमालगंज क्षेत्र के तारीख सेठ के फ्लोर मिल का मामला। फरुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेता तारीख सेठ के फ्लोर मिल पर आईटी की छापेमारी। तारीख सेठ के फ्लोर मिल पर अचानक पहुंची जीएसटी टीम, राजस्व जीएसटी विभाग विशेष जांच टीम पहुंची। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या कुछ मिला है अभी तक जीएसटी टीम को? जी, जीएसटी टीम के द्वारा जो थाना कमालगंज क्षेत्र में तारिक से जो सपा नेता है उनके फ्लोर मिल पे छापेमारी की गई है। छापेमारी लगभग सुबह 10 बजे के तरफ इटावा से आई हुई टीम के द्वारा की गई है। वहां पर टीम अभी ताले खुलवाने में लगी हुई है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के आधार पे, टीम वहां पर जो पहुंची है अभी ताले खुलवा रही है। अभी वहां पर टीम को चीजें बरामद हो रही है, उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है अभी क्या बरामद हुआ है, लेकिन टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। और सपा नेताओं पर जैसे छापेमारी हो रही है वहां पर हड़कंप मचा हुआ है क्षेत्र में। जी, तो क्या सिर्फ मेल पे छापेमारी हो रही है या और भी जगह पे और भी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है? जी, अभी तक जो सूचना मिल पा रही है उसमें कमालगंज क्षेत्र के जो सपा नेता है तारिक से उनकी फ्लोर मिल पे ही अभी छापेमारी की सूचना प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़े थे फरुखाबाद से। रायबरेली एम्स में फूटा कोरोना बम। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक साथ 15 स्टाफ नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 26 हुई। रायबरेली एम्स में फूटा कोरोना बम। बड़ी खबर सामने आ रही है, एक साथ 15 स्टाफ नर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मरीजों की कुल संख्या 26 हुई, एक्टिव मरीजों की संख्या 26 हो चुकी है। रायबरेली एम्स में फूटा है कोरोना बम, कोरोना विस्फोट हुआ है। एक साथ 15 स्टाफ नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहारनपुर में फूटा कोरोना बम। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहारनपुर में 24 घंटे में 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 60। बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना का विस्फोट हुआ है सहारनपुर में। कोरोना के मामले सामने आए हैं, बीते 24 घंटे में 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में पहुंची 60। तो सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। 26 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग समेत जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 60 हो गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।